आपसे पूछना चाह रहे हैं जी, कश्मीर से ताल्लुक है इनका। पूछते हैं क्या मोबाइल फोन को मस्जिद में चार्ज किया जा सकता है जी? मोबाइल फ़ोन को, यानी अगर इमाम की बात कर रहे हैं या कोई ऐसा शख्स जो मस्जिद में खादिम है, जी उसके लिए तो गुंजाइश होगी क्योंकि उसके खर्चे मस्जिद के ज़िम्मे जी हैं, उसी तरफ से आ रहे तो हैं। उसकी गुंजाइश होगी। लेकिन जो आदमी ऐसा नहीं है और वो वहाँ से मस्जिद से इंतफा कर रहा है, तो और उसका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि इबादत का ताल्लुक मोबाइल के चार्ज होने से नहीं है बल्कि उसके डिस्चार्ज होने से उसका जी बिल्कुल इबादत का ताल्लुक है। तो इस वजह से उसके लिए करना जायज़ नहीं होगा। और इसी तरीके से ऐसे लोग भी जो कि मस्जिद में मुस्तकिल ठहरते हैं तबलीगी जमात वाले, और किसी ज़रूरत से उनको करना पड़े, उनके लिए भी कुछ गुंजाइश हो सकती है। ठीक, लेकिन आम लोगों के लिए जिस तरह से मामूल होता है, इसकी गुंजाइश नहीं। गुंजाइश नहीं है जी।